बहुत लंबे समय से आया है और इसी को देखते हुए हमने कई जगह औचक निरीक्षण भी किए हैं। कई आरटीओ चेक पोस्ट की मैंने भी चेकिंग की है और माननीय मुख्यमंत्री परसों आरटीओ ऑफिस में औचक निरीक्षण किया है और अभी चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा के कारण कई जगह अधिकारी भी लगे हुए हैं, कर्मचारी भी लगे हुए हैं, मगर ये हमारे लिए बहुत ही संवेदनशील विषय है। हमने एक तरफ सारी चीज़ें ऑनलाइन की हैं, हमने लाइसेंसिंग ऑनलाइन की है, हमने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया है, हमने नंबरिंग ऑनलाइन किया है, तो जब हम पारदर्शी ढंग से ऑनलाइन की प्रक्रिया कर रहे हैं तो दलाली क्यों हो रही है, इसको गंभीरता से लेंगे और दलाली प्रथा बिल्कुल समाप्त हो। अधिकारी उसमें अगर लिप्त होंगे उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री ने भी कार्रवाई की है, मैं भी कार्रवाई करूँगा और हम पूरे प्रदेश से इस दलाली व्यवस्था को समाप्त करने का संकल्प। देहरादून आरटीओ को जो सस्पेंड किया गया है उनके बाद देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जब औचक निरीक्षण हुआ था, ये कई मामले आए हैं और आप जानते हैं कि उसमें जांच भी हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश किए हैं पहले तो उसका परिपालन हुआ है, बाद में उसकी जांच करेंगे, कैसी परिस्थितियां हैं, क्या हैं, जो ठीक होगा वो करेंगे, मगर गंभीरता से अधिकारियों को इस बात को लेना चाहिए। औरों के लिए भी सबक है, अगर जब तक ये सबक नहीं लेंगे, मैं सिर्फ ट्रांसपोर्ट विभाग की ही नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने रोडवेज की ही नहीं कह रहा हूँ, आजकल डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, कह दे रहे हैं आजकल चार धाम यात्रा पर गए हैं, गर्मी के दिन हैं, हमारे बहुत से ऐसे विभाग हैं, पेयजल विभाग है, गर्मी के दिन हैं। मैं समझता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वहाँ पर औचक निरीक्षण किया वो स्वागत योग्य है, हम लोग भी करेंगे, सभी विभागों के मंत्री भी इस काम को करेंगे और शत प्रतिशत हाजिरी होनी चाहिए, ईमानदारी और निष्ठा से अधिकारी काम करें, जनता की सेवा करें, इसी के लिए हमको चुन रखा है।